हम दर्शकों को बता दें कि बुधवार को MPTV इंडिया ने NSUI के जो सचिव थे उनकी खबर को दिखाया था कि किस तरीके से अजमेर शहर में जो 20 कोचिंग संस्थान हैं उनमें सुरक्षा के जो मापदंड पूरे करने चाहिए थे वो मापदंड पूरे नहीं थे, और उसके साथ साथ आवासीय कॉलोनी के अंदर, आवासीय इमारतों के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी उसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया था नगर निगम कमिश्नर चिन्मयी गोपाल को, और उसके बाद से कार्रवाई शुरू हो गई है। और अब देखने में आया है कि शुक्रवार को फायर अधिकारियों ने जाँच पड़ताल की है इन संस्थानों की। इन संस्थानों में सुरक्षा अधिकारियों ने, जो फायर अधिकारी हैं, उन्होंने ये पाया है कि यहाँ पर जो सुरक्षा के मापदंड होने चाहिए थे इन संस्थानों में वो मापदंड यहाँ पर पूरे नहीं हो रखे हैं। किसी किसी जगह पर सीढ़ी की जो साइज़ होनी चाहिए वो साइज़ उस तरीके से नहीं है, जितना खुला स्पेस होना चाहिए कोचिंग में वो भी नहीं है, और उसके साथ साथ अग्निशमन यंत्र के साथ में केवल खाना पूर्ति कर रखी है इन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। और अब जो फायर ऑफिसर हैं उन्होंने अब इन तमाम संस्थानों को, जो कोचिंग संस्थान हैं, इनको नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है, और उसके साथ में अगर ये एक आखिरी चेतावनी के तौर पर अजमेर नगर निगम इनको नोटिस जारी कर रहा है, और इसके बाद भी अगर ये कोचिंग सेंटर्स छात्रों के सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, नगर निगम अजमेर इनको आखिरी चेतावनी के तौर पर ये नोटिस दे रहा है, और इसके बाद इनको इनके ऊपर सीजिंग की कार्रवाई शुरू कर देगा। खास बात यह है, जो हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो कोचिंग संचालक हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि अजमेर के अंदर आवासीय इमारतों के अंदर ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और उसके साथ साथ जो सुरक्षा के मापदंड इनको पूरे करने चाहिए वो इन्होंने पूरे नहीं कर रखे हैं। अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थानों पर जिन पर जा रहे हैं, अभिभावक वहाँ पर जाकर ये ज़रूर देखें कि उनके बच्चे उस सुरक्षित माहौल में वहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए MPTV इंडिया की जो मुहिम है कोचिंग संस्थानों के यहाँ पर सुरक्षा मापदंडों को पूरा कराने की, इसकी मुहिम हम लगातार जारी रखे हुए हैं, और लगातार निगम के अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये नोटिस कब तक दिए जाएंगे, इनके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई कब से शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर कोचिंग संस्थान केवल खानापूर्ति के तौर पर अग्निशमन यंत्रों को सेंटर्स पर लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरे सुरक्षा के मापदंड जो उनको पूरे करने चाहिए उनको वो पूरे नहीं करते हैं। और इसी कड़ी में अब ये आखिरी चेतावनी दी जा रही है, और इस चेतावनी के अगर पालना नहीं की जाएगी तो इसके बाद नगर निगम कमिश्नर अगला आदेश सीधे तौर पर कोचिंग संस्थानों को सीज करने का दे सकती हैं। कल हमने शहर में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी सभी अधिकतर कोचिंग सेंटर्स की जांच करी, 15-20 कोचिंग सेंटर की जांच करी, जिसमें सिस्टम नहीं पाए गए, कहीं पाए गए, कहीं नहीं पाए गए, कहीं कम थे तो उनको बता दिया गया। अब उनमें नोटिस की कार्रवाई हम चालू करेंगे, नोटिस देने की कार्रवाई। कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे हम, जैसे सेल्सियस है, ट्रंप अकेडमी, कैरियर विजन, शर्मा क्लासेस, और ये पुरोहित क्लासेस, कृष्णा अकेडमी, मास्टर अकेडमी, द्रोणा, SG क्लासेस, स्किल एजुकेशन, पनोरमा, ये हमने सारे चेक करे हैं। क्या लापरवाही सर? ऐसा है कि कहीं कहीं तो ऐसी जगह हैं जो कंजेस्टेड जगह है, जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड जगह पे चल रहे हैं, जैसे हमने रामगंज में एक न्यू पुरोहित क्लासेस करके हैं जहाँ थोड़ा कंजेस्टेड लगा था, तो उनको हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे करें। और दूसरी जगह जहाँ कहीं एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं तो हॉजिट नहीं लग रही, कहीं फायर एग्जिट नहीं है, तो उनको हमने बता दिया और नोटिस भी हम जारी करेंगे। नोटिस के बाद में सर यदि वो लापरवाही करते हैं तो क्या? तो उनको हम कमिश्नर, हमारे नगर निगम कमिश्नर के थ्रू हम उनको सीज की कार्रवाई कराएंगे, अगर जिन्होंने सही। कितने दिन होंगे नोटिस के बीच में? नोटिस अभी हम नोटिस देंगे, उसके बाद करीबन 7 दिन की नोटिस तो हम देंगे उनको, उसके बाद की जो कार्रवाई होगी फिर आगे करेंगे कार्रवाई। थैंक यू।